यहाँ दोस्तों मेरा नाम है तन्मय और आप देख रही है मेरी चैनल तन्मय सेल्फ क्रिएशन। तो दोस्तों ये जो वीडियो आप देखा है वो है आईबल कंपनी का मार्बल कटर है। इसका अनबॉक्सिंग करके इस वीडियो में दिखाऊंगा मैं, तो मैं दिखाती हूँ इसको। ये देखिए ये जो बॉक्स है आ रहा है, ये इस मार्बल कटिंग का, ये इसका अंदर ऐसे तरह ये रहेगा, ये मार्बल कटर, ये वाला ये मार्बल कटर लिखा है कि, मगर इसका बीड चेंज करने से आप मार्बल भी कर सकते हैं और स्टोन भी काट सकते हैं, ब्रिक भी काट सकते हैं और वुड भी काट सकते हैं इसके ज़रिए। तो इसका स्पेसिफिकेशन सभी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और इसका मैं अमेजन से ख़रीद कर लाया हूं और उसका कैसे यूज करते हैं, उसका अंदर क्या है, उस सभी मैं बताऊंगा। तो दोस्तों देखिए इस वीडियो। अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे। ये देखिए दोस्तों, ये है आपका जो आई बॉल का मार्बल कटर, मल्टीपर्पज कटर है। ये मैं अमेजन से खरीद कर लाया हूँ। देखिए ये इसका पैकिंग है, बहुत ही बड़ा पैकेट है। तो ये इसका प्रिंटिंग है, मैं इसका अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा और इसका अंदर कैसे होता है। देखिए कटर से आप मार्बल भी काट सकते हैं, कांच भी काट सकते हैं और घर का जो वायरिंग करने के लिए भी आप यूज कर सकते हैं। तो देखिए ये इसका बॉक्स है और ये इसका कार्ड दिया है, गारंटी कार्ड। और मैं जो इसको खरीद कर लाया हूँ इसका सभी यहाँ पे है, जीएसटी में लगाकर टोटल 2,225 रुपये ये है। यह अमेजन से मैं खरीद कर लाया हूँ और इसका लिंक मैं आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये इसका बिल है, देखिए ये अच्छे से इसको पैकिंग करके वो दे रही है। साइड में ये थर्मोकोल का पैकिंग, बहुत ही मोटा है ये। देखिए आई बेल का मार्बल कटर है, ये मार्बल कटर होगा मगर इसके आप बीट चेंज करके काट या जो वायरिंग करने के लिए काफी आप काट सकते हैं। ये छह मंथ का ये वारंटी दे रही है ये। तो इसका अंदर देखते हैं क्या है। ये देखिए दोस्तों, लाइट बहुत ज़्यादा हो रहा है इसलिए वीडियो ऐसे हो रहा है। तो देखिए दोस्तों ये इसका पैकिंग है, ये ऐसे तरह ये मार्बल कटिंग का मशीन है और ये 230 वोल्ट एसी के चलेगा डायरेक्ट लाइन से और इसका इनपुट पावर होगा 230 वोल्ट एसी का ही रनिंग होगा। और ये इसका वाटेज जो ये वाट होगा 1050 वाट का है ये। और इसका आरपीएम कितना जोर से ये घूमेगा, ये 13000 का ये आरपीएम का है। और जो व्हील डायमीटर, ये जो आपको जो चक्री है इसका ये वाला, जैसे ये 110 mm का ये इसके अंदर लगेगा। तो इसको मैं आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ, ये बहुत ही अच्छा लगा मुझे, मैं अमेजन से खरीद कर लाया हूँ उसको। तो देखिए इसका पैकिंग है, इसका अंदर ये इसी तरह ये रहेगा पैकेट से। और देखिए इसको आप कहाँ से यूज कर सकते हैं, ये देखिए लिखते हैं कटिंग ऑफ मार्बल, मार्बल भी आप इसके जरिए काट सकते हैं और ब्रिकस्टोन, वो जो आपका घर का जो वॉल है इसको भी आप काट सकते हैं, कोटा और सैंडस्टोन जो आप सैंड में जो प्लास्टरिंग होता है उसको भी आप काट सकते हैं। तो अच्छे से फिनिश करके ये कटेगा और ब्लेड बहुत ही ज़्यादा समय तक चलेगा। तो इसका प्राइस है 176, ये इस मशीन के साथ ये फ्री दे रहा है मुझे, तो मैं इसको अलग रख देता हूँ। और इसका थ्रेड है, आप इस मशीन को खोल कर देख सकते हैं। तो
इसके अंदर इतना ही था। तो ये इसका वारंटी कार्ड, 6 महीने का जो वारंटी हो रहा है, ये इसका वारंटी कार्ड, ये देखिए इसी तरह आपको देगा ये। आप 6 महीने के अंदर ये खराब हो जाए तो उसको रिटर्न भी आप कर सकते हैं। तो सभी यहाँ पर है, और इसको कैसे यूज करते हैं और क्या क्या इसका स्पेसिफिकेशन है यहाँ पे सब लिखा है। तो पहले और देखिए इसका अंदर ये कैसे ये बनता है, कैसे इसका सभी का कनेक्शन हो रहा है और फिटिंग कैसे हो रहा है, ये सभी पार्ट वाइज ये आपको ये पिक्चर में देख लीजिए, ऐसे ही ये रहेगा। तो उसके बाद मैं इस मार्बल कटर को खोल रहा हूँ। ये देखिए ये इसका वायर है, ये बहुत ही अच्छा वायर है, ये कट नहीं जाएगा, ये आप अच्छे से इसको लगा सकते हैं स्विच बोर्ड से। और इसका लंबी बहुत ज़्यादा है, आप इसको इसका लंबी 1.5 या 2 मीटर तक ये रहेगा। ये देखिए इसका स्विच है आपको ऑन ऑफ करने के लिए, ये जो घूमेगा यहाँ पे उस स्विच ऑन ऑफ करेंगे तो ये अच्छे से घूमेगा। आपको स्विच को लॉक करना है, मान लो कि हमको यहाँ घुमाना कंटिन्यू घुमाना पड़ेगा, तो इसलिए इसको आप लगा ऑन कर दीजिए और यहाँ को इसके दबाकर लॉक कर दीजिए, ये लॉक हो गए, ये लॉन्ग ड्राइव टॉप ये घूमेगा। तो फिर से इसको लॉक को ऑन कर दीजिए और ये स्विच बंद हो जाएगा। तो ये है इसका बेस लॉक। तो आप मान लो कि हमको इतना ही अंदर इसको कटना है तो इसको एडजस्ट करना होगा यहाँ पे ऐसे तरह, और इसको यहाँ से लॉक करना होगा। और ये जो दोनों है इसका पीछे, ये दोनों जो है, तो मैं इसको निकाल कर दिखा देता हूँ कि क्या है। एक साइड में दिखा देता हूँ एक साइड, तो इसको ऐसे करके खोलना होगा, और देखिए ये निकल रहा है, ये है इसका कार्बन ब्रश। यहाँ से अब ये दोनों टर्मिनल से ये करंट जा रहा है इसका अंदर, ये मोटर का आर्मेचर से ही जुड़ा हुआ है, तो ये इसका अंदर करंट जा रहा है, वो ये मोटर को घुमाता है। तो ये इसलिए अलग सा दिया रहा है क्योंकि आप इसका ब्रश ये घूम जाएगा तो इसको भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। तो इसी तरह सिर्फ इसको यहाँ से ऐसी तरह घुमाएंगे, ये देखिए इसका अंदर ऐसे है भाई, तो इसको ऐसे लगाएंगे, लगाने के बाद उसका जो केप है उसको भी अच्छे से यहाँ से टाइट कर दीजिए। अच्छे से आपको करना होगा, फिर थ्रेड लगा रहा है, एक बार थ्रेड लग जाए इसको स्क्रू ड्राइवर से इसको टाइट कर देना होगा। देखिए यहाँ पे भी एक है, ये दोनों है इसका अंदर, ये एयर पास करने के लिए वेंटिलेटर जैसे काम करेगा इसका अंदर, ये देखिए। उसके बाद होता है इसका ब्लेड, ब्लेड का काम क्या होता है, पहले इसको निकाल देती हूँ ऐसे करके, ये इसका ड्राइवर जैसा दे रहा है, इसको ब्लेड को जैसे यहाँ पे ऐसे घुमाएगा, और ये जो ये है पहले इसको इस थ्रेड को यहाँ पे इसको लगाना होगा, उसके बाद इसको भी इसको ऐसी तरह घुमाएंगे। तो ये पहले आपको क्या करना होगा, इसका ऊपर एक नट है जो इस दोनों टर्मिनल को टाइट करके पकड़ रहा है, तो पहले इस नट को पहले इसको यहाँ से इसको टाइट करना होगा इसके जरिए, और उसके बाद इसको घुमाकर इस नट को आपको थोड़ा सा ये दाएं तरफ आपको घुमाना पड़ेगा, तो ये दाएं तरफ घुमाने के ये ढीला हो जाएगा। ये देखिए ये नॉट चल रहा है ऐसे तरह, ये देखिए। उसके बाद इसका जो ब्रीट है, ये इसका थ्रेड है, तो मैं बोला रहा था ना 110 mm का इसका अंदर रहेगा, इसको ऐसे चपक कर। तो ये तो पहले ऐसा ये चला गया ऐसे करके, उसके बाद मैं उसको लगाऊंगा ये ब्लेड को, देखिए इसका ब्लेड है और इसका थ्रेड भी है, इसको ऐसे पकड़ने के लिए ये ब्लेड के अंदर दिया रहा था,
तो आपको इसको ही जो प्रिंटिंग है इसको ऊपर की तरह लगाना होगा और जो नीचे वाला की तरह यहाँ लगाना होगा। देखिए ऐसे करके अब लगा दीजिए यहाँ पे, ऐसे ये हो गया। उसके बाद इसको ऐसी तरह लगाना पड़ेगा, ये देखिए हो जाएगा। उसके बाद इसको टाइट करना होगा, इसके नॉट को ऐसे करके बाएं तरफ आप घुमाएंगे तो ये घूम जाएगा ऐसे तरह। फिर इसको टाइट कर देना होगा अच्छे से, ये देखिए अच्छे से आपको टाइट कर देना होगा। उसके बाद क्या करना होगा, ये हमारा तैयार हो गया ये कटर। तो मैं आपको बोला रहा था ना इसका बेस का क्या काम है। मान लो कि हमारा जो काट है उसका साइज इतना है तो हमको इतना ही अंदर कटना होगा, तो इसके लिए हमको ये बीट इतना ही ऊपर लगाना पड़ेगा इसका अंदर। तो इसको ऐसे करके लग कर देना होगा यहाँ पे और ये हलचल होगा नहीं। तो मैं मान लो कि टोटल मैं आपको कवर करके दिखा रहा हूँ, उसको टेस्ट करके दिखा रहा हूँ कैसे ये घुमा रहा है। ये देखिए मैं प्लग इन कर चुकी हूँ और इसके बाद इसको मैं ऑन करूँगा ये कैसे मूविंग होगा। ये देखिए ये मूविंग हो रहा है। ये एक मैं ईटा लाकर लाया हूँ तो इसको मैं काटूंगा इस मशीन के जरिए, तो कैसे कट रहा है देखिए। ये देखिए दोस्तों मैं इसको पावर सप्लाई दे चुकी हूँ। मान लो कि मैं टोटल को काटना होगा, इसको मैं थ्रेड को देखिए ऊपर नीचे कर रहा हूँ, तो मैं इसको काटना शुरू करूँगा। देखिए कैसे कट रहा है, ये देखिए मैं ऑन कर चुकी हूँ। कैसे करते हैं आप देख लीजिए, यहाँ से ये दोनों अलग अलग बहुत ही समान से ये हो गया। तो देख लिया मैंने जो ब्रिक को कैसे काटा, तो इसको इसका जो टीथ है ये वाला, ये इसका बीट है, इसको आप ये जो है बीट ये सिर्फ आप ये जो मार्बल और ब्रिक और जो प्लास्टरिंग होता है और सैंड का जो प्लास्टरिंग होता है वही चीज आप काट सकते हैं। और उसका बीट चेंज करने के बाद अब मान लो कि आपको लकड़ी काटना होगा, तो लकड़ी काटने के लिए इसी तरह एक बीट मिलेगा आपको, वही बीट चेंज करने के बाद वो लकड़ी कट जाएगा, इस बीट से लकड़ी नहीं कटेगा। ये इस मशीन के साथ फ्री मिला था इसलिए मैं आपको टेस्ट करके दिखा रहा। तो मैं तो उसको कट दिया, कट करने के बाद देखिए इसका अंदर डस्ट निकला हुआ है। ये देखिए ये जो ब्रिक का जो डस्ट है यहाँ पे है, उसका कैसे मैं निकाल करूँगा, तो यह जो नॉट है इसको पहले मैं खोलूँगा। तो देखिए यहाँ पे मैं इसको लूँगा ऐसे, ये बहुत ही टाइट है। तो दोस्तों ये सूखा हुआ तो आपको इसको वॉश कर देंगे, तो ये नहीं निकल रहा है तो इसको नॉट को खोल दीजिए। और इसका कैबिनेट देखिए ये ऐसे निकल गया और इसको ऐसे तरह साफ करना होगा। कपड़े ले जाइए, कपड़े ले जाने के बाद इसको यहाँ पे साफ करना होगा और इसको भी यहाँ पे। अब चाहिए तो इस बीट को भी निकल कर इसको साफ कर देना, तो मैं बीट निकल कर आपको साफ करके दिखा रहा हूँ। अभी तो कोई काम नहीं है इस बीट का, तो इसको निकल कर इस कैसे साफ करते हैं देखती है। तो देखिए इसको पहले इसका बेस को आपको अच्छे से पकड़ना होगा, उसके बाद इसका जो बीट के इसके जो नोट का ड्राइवर है उसको बाएं तरफ आपको घुमाना होगा, तो दाएं तरफ आपको घुमाना होगा, तो आपको खोलने के लिए दाएं तरफ घुमाना होगा और टाइट करने के लिए बाएं तरफ घुमाना होगा। तो दाएं तरफ घुमाने के बाद ये देखिए आपका ये बीट बाहर आ गया। तो इसको मैं अलग सा रख देता हूँ,
उसके बाद जो आती है इसका अंदर डस्ट, डस्ट को मैं कपड़े के जरिए इसको इसी तरह खोल रहा हूँ। इसका ऊपर मैं पेपर रखा हूँ क्योंकि ये बहुत ही डस्ट निकलेगा यहाँ पर। तो देखिए ऐसे इसको खोल देना होगा। तो फिर उसको खोल देने के बाद इसका जो उसका कवर है डस्ट कवर उसका यहाँ पे लगा देना होगा। तो ये किस लिए आपको दे रहा है, क्योंकि जो आप जो काम कर रहे हैं तो डस्ट आपका ऊपर नहीं पड़ने के लिए यहाँ पे इसको कवर कर रहा है, इसको यहाँ पे ऐसे कवर कर रहा है। तो आपको अच्छे से ध्यान देना होगा कि जब भी आप इस कटर को यूज करते हो तो यहाँ पे जो ये डिस्क घुमा रहेगा, ये जो घूमेगा ऐसे, यहाँ पे हाथ मत कुछ दे कुछ भी नहीं देना होगा, क्योंकि आपका हाथ का ऊपर कट सकती है तो आपका बहुत ही नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इसलिए आपको सावधानी से ये कटर चलाना होगा। तो अच्छी तरह से और बच्चे से दूर रखिए ये कटर को। तो इसके बाद ये ब्रश, ब्रश तो आपको चेंज करने के से एक बना दिया, तो ये इसका तार है। तो दोस्तों आपको इस वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना। तो आपको ऐसे तरह खरीदना पड़ेगा तो अमेजोन से खरीद कर ले आइए। ये आईबल का है, मुझे अच्छा लगा ये, बहुत ही आईबल का ये। इसका ऊपर ब्रोस का भी आप देख सकते हैं, बूस कंपनी का एक भी है, और आईबेल भी ले जाइए, ये भी बहुत अच्छा रहेगा। तो 6 महीने का वारंटी दे रहा है, तो ऑनलाइन से आप खरीद कर ले आइए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छा लगा तो फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और उनको भी उनके पास वीडियो पहुँचाइए और कमेंट भी कीजिए कैसे लगा इसको। तो थैंक यू दोस्तों। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना। और ये जो मार्बल कटर है इसका जो अमेजन में खरीद कर लाया हूँ इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसके जाकर उसको खरीद कर ले आए। बहुत ही अच्छा मार्बल कटर है, और मार्बल कटर लिखा है मगर उसके जरिए आप सभी काट सकते हैं सिर्फ इसका बीट चेंज करने से बाद। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। तो मेरी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसका दबा देना, क्योंकि इसी तरह मैं नया नया वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा तो आप देख लीजिए।